परिचय थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए। मुझे लोग तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य के नाम से जानते हैं। बाबा यहाँ दर्शन करने का मूल उद्देश्य क्या है? देखिए, मैं तो बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने आता रहता हूँ। आज दर्शन कर रहा हूँ कि विश्वेश्वर भगवान आप अपना तीसरा नेत्र खोलें और जो सनातन धर्म विरोधी ताकतें हैं ये समाप्त हों। ये हमेशा से रहा है, कभी देवासुर संग्राम हुआ है, कभी जो है राम रावण युद्ध हुआ है, कभी भगवान श्री कृष्ण और कंस में युद्ध हुआ, कभी हनुमान और कालनेमी में युद्ध हुआ, कभी आदिशक्ति और महिषासुर में युद्ध हुआ। यह लड़ाई अब धर्म अधर्म के बीच में आ गई है और अधर्म के पक्ष में जो भी खड़ा हो, जैसे गीता का इतना ही ज्ञान है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अधर्म के पक्ष में जो खड़ा हो गया, वो चाहे अपना रिश्तेदार हो, चाहे भाई हो, चाहे गुरु हो, अगर अधर्म के पक्ष में खड़ा है तो वो बध योग्य है, उसका वध करिए। और उसी तरह से फिर अर्जुन ने जो है पितामह भीष्म का वध किया, द्रोणाचार्य का वध किया। तो जो भी अधर्म, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्या को भी मैं कहता हूँ कि जिस तरह से अतीत में कभी भक्त प्रहलाद ने अपने राक्षस पिता हिरण्यकश्यप का त्याग कर दिया था, कभी जो है तो जिस तरह से जो है तो विभीषण ने अपने सगे भाई राक्षस रावण का त्याग कर दिया था, उसी तरह से संघमित्रा मौर्या को चाहिए कि अपने राक्षस बाप स्वामी प्रसाद मौर्या का त्याग करें। जिस तरह से लगातार सनातन धर्म पर हमला किए जा रहे हैं, स्वामी जी उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह हिंदू, अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश में मुसलमानों को लेकर के अगर कोई हिंदू बयान दे देता कि इस्लाम को डेंगू मच्छर मलेरिया कोरोना की तरह समाप्त कर देना चाहिए तो पता नहीं क्या हो गया होता, उसके चिथड़े न मिलते। और हिंदुस्तान में जहाँ जो है तो 80% हिंदू हैं, वहाँ इस तरह का बयान दिया जा रहा है, इसमें तो मैं कहता हूँ कि स्वतः संज्ञान लेकर के इस तरह की जो बयानबाजी कर रहे हैं उनके ऊपर नशे के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो 120 करोड़ हिंदू जिस दिन हथियार लेकर के खड़ा हो जाएगा ना, वो अपना निर्णय स्वयं कर लेगा। कभी स्वामी प्रसाद मौर्य, कभी स्टालिन। हाँ देखिए, ये जो है तो राक्षस लोग हैं और राक्षसों का वध होना जरूरी है। देखिए, जैसे तरह से फसल को बचाने के लिए कीटनाशक का छिड़काव जरूरी होता है, उसी तरह से जो सनातन धर्म विरोधी, हम किसी का विरोध नहीं करते, किसी मत का, किसी मजहब का, किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन जो सनातन धर्म के विरोधी हैं उनको जो है सबक सिखाने का जो है समय आ गया है और वो समाप्त होना चाहिए। मन से कोई संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो यही संदेश दे रहा हूँ कि भाई जो लोग सनातन धर्म का या हिंदुओं के विषय में अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं वो देश से माफ़ी मांगे, जो राजनेता लोग हैं वो जनता के हित की राजनीति करें, देश के गौरव को आगे बढ़ाएं, चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष हो। एक अंतिम सवाल, स्वामी प्रसाद मौर्य की बयान नहीं थम रही है, लगातार हिंदू और सनातन धर्म को लगातार टारगेट कर रहे हैं, कल का भी उनको ब्राह्मणों को लेकर एक बयान जारी हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए हम यही कहेंगे कि देश की जनता जहाँ भी पाए इसको जूता मारे, तब तक जूता मारे जब तक इसके प्राण नहीं निकल जाए, और जो जूता मारे अपना गिन ले, एक जूता का 1,00,000 रुपये इनाम हमारे तरफ।